जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले में 42 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश स्तब्ध है और दुखी है। इसको लेकर देश में पुतला दहन और श्रद्धांजलियों का दौर जारी है। ऐसे में खरगोन जिले में मुस्लिम हेला समाज द्वारा रविवार को होने वाले सामूहिक विवाह में विवाह बंधन में बनने से पूर्व 34 दूल्हों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान का पुतला दहन किया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में हुए आतंकी हमले से पूरा देश गमजदा है। इसको लेकर खरगोन जिला मुख्यालय पर मुस्लिम हेला समाज के रविवार को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन के पूर्व 34 दूल्हों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर पाकिस्तान का पुतला फूंका। पुतला फूंकने के बाद दूल्हा बने युवक ने बताया कि जिस तरह पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, जिससे हम भी दुखी हैं। पीएम मोदी जी से मांग करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। देश के जवानों की बदौलत हम सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम भारती न्यूज। ये जो पाकिस्तान, ये जो कश्मीर में आतंकवादी जो हमला हुआ है, हमारे जो 42 जवान शहीद हुए हैं, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसलिए हमने ये प्रदर्शन किया है और हमारी प्रधानमंत्री जी से ये मांग है कि सख्त से सख्त पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। कल सम्मेलन भी होने वाला है, आपने आयोजन किया आज? दूल्हा बनने से पहले आपने ये किया है? दूल्हा बनने से पहले हमने ये इसीलिए किया है कि सम्मेलन जितने भी दूल्हे हैं, जो हमारी बॉर्डर पे जवान है, जिसके लिए हम यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं, आज अगर वही नहीं हमारे साथ रहेंगे तो हम सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? तो हमें अपने आप में ही दर्द, इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से कि अगर हमको मौका मिलेगा तो पाकिस्तान का नाम हम नक्शे से मिटा देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद।